क्या एक पत्नी बर्दाश्त कर पाएगी अपने पति को किसी गैर औरत के साथ देखकर? कौन सी पेंटिंग पहचानने के लिए सबने किया नक्श को जलील? ससुराल की बेइज्जती कर क्या हासिल करना चाहता था नक्श? मिस्टर नक्श, मैंने अभी जो किया उसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया, तुमने सही किया। चूंकि मिस्टर नक्श मेरे फैसले से सेटिस्फाइड हैं, इसलिए अब मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, मैं चलती हूँ। तुरंत ही वो पीछे मुड़ी और जावेरी मैंशन से बाहर निकल गई। शिवानी की हरकत को देखकर कल्याणी के चेहरे के भी रंग उतर गए थे। तभी नक्श ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, कितना फनी है ये, मैटर जावेरी खानदान का है और वो मिस शिवानी मुझसे राय मांग रही थी। मैं तो जावेरी खानदान का हिस्सा भी नहीं हूँ, तो भी बेवकूफ। नक्श, बकवास मत करो। अनिका के बोलते ही नक्श ने जावेरी खानदान के सभी लोगों को एक एक करते हुए देखा, जो डिसबिलीफ की नजरों से उसे ही देख रहे थे। ये देखकर नक्श ने जावेरी मैंशन से जाने का फैसला किया। नक्श, एक मिनट रुको, क्या हो गया मेरी बीवी? नक्श, मुझे सच सच बताओ, क्या यहाँ आने से पहले ही तुम्हें सब कुछ पता था? और शिवानी का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? वो तुम्हें मिस्टर नक्श क्यों कह रही थी? क्यों, क्या तुम जेलस फील कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस मुझे सच सच जवाब दो। बस यार, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें और नहीं छेड़ सकता। तो सच ये है कि मैं और शिवानी क्लासमेट्स रह चुके हैं, और इस मैटर के बारे में मुझे तभी पता चला जब मैंने उसे आज कॉल किया था। अच्छा, तो अगर तुम दोनों क्लासमेट्स रह चुके हो तो फिर वो तुम्हें मिस्टर नक्श क्यों बोलती है? उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन शायद मेरा चाम ही कुछ ऐसा है। अरे, शायद ये कॉल मेरे बॉस का ही होगा, उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी। अभी मुझे निकलना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। अपनी बात कहने के बाद वो पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। जावेरी मैंशन से बाहर आने के बाद नक्श ने अपना फोन बाहर निकाला और तब उसे पता चला कि वो कॉल मिस जूली का था। तुरंत ही नक्श ने मिस जूली का नंबर डायल किया। हेलो मिस जूली, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम्हारे पास टाइम है? क्या बात है, अभी आप कहाँ हैं? मैं अपने स्टोर में ही हूँ और स्टोर के दरवाजे पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। कॉल कट करने के बाद नक्श ने ज्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं समझा और आधे घंटे के अंदर अंदर वो देसाई एंटीक एम्पोरियम पहुंच गया था। नक्श को वहां देखकर तुरंत ही मिस जूली भागते हुए नक्श की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने स्टोर के अंदर ले गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फेक है। अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पेंटिंग असली है। मनिक अंकल, आप कब से इस पेंटिंग को देख रहे हैं? क्या आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे या नहीं? इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर नक्श ने तुरंत इधर उधर देखा तो पाया कि वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि पल्लवी की थी। जब पल्लवी की नजर नक्श पर पड़ी तो उसने भी क्यूरियस होते हुए पूछा। इससे पहले कि नक्श कुछ बोलता, मिस जूली तुरंत ही मनिक भाई की तरफ बढ़ी और बोली, पापा, आपको क्या लगता है, क्या मुझे किसी को बुलाना चाहिए जो हमें ये बता सके कि ये पेंटिंग असली है या नहीं? वैसे तो मनिक भाई देसाई हीरे के व्यापारी थे, लेकिन बचपन से ही उन्हें अपने पिता से एंटीक चीजों का बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और अपनी जवानी के दिनों में ही वो सिर्फ सूरत के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे अच्छे एंटीक अप्रेजर माने गए। ये एक लैंडस्केप पेंटिंग है और ऐसी पेंटिंग्स को पहचाना इतना आसान नहीं है। क्या कारीगरी है, देखते ही दिल फिदा हो जाए। लेकिन इसी के साथ इसके कलर, इसके टेक्सचर, इसका पेपर, ये सब भी तो मेन है, परखना बहुत जरूरी है और ये आसान नहीं। मनिक सर, आपकी रेपुटेशन को देखते हुए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इस पेंटिंग की ऑथेंटिसिटी को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं, या फिर अब आपकी आंखों में वो बात नहीं रही? ये जो तुम पेंटिंग लेकर आए हो वो वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और इसके स्टाइल को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बहुत पुरानी है, लेकिन इसका पेपर काफी पतला है और कलर भी काफी फीके हैं। उस जमाने में नेचुरल कलर्स फीके नहीं होते थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी पेंटिंग फेक है? हाँ, बहुत हद तक। एक तरफ एंटीक शॉप के ओनर्स धीमी आवाज में मनिक भाई को लेकर डिस्कशन कर रहे थे तो दूसरी तरफ उसी समय नक्श के कदम आगे की तरफ बढ़े और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा, क्या मैं इस पेंटिंग को देख सकता हूँ? वही हीरो, जब मनिक साहब ने इस पेंटिंग को फेक बता दिया है तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जाओ और अपना काम करो, तुम्हें यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए। हर बार तीर निशाने पर लगे ये जरूरी तो नहीं, क्यों अपना मजाक बनवाना चाहते हो?
जब पल्लवी ने देखा कि वो एंटीक शॉप ओनर्स नक्श का मजाक बना रहे हैं तो तुरंत ही उसकी नजर नक्श पर पड़ी। यहाँ मामला एक पेंटिंग का था जिसे मनिक भाई भी फेक बता चुके थे और उनसे अच्छा इस मामले में और कोई नहीं। नक्श की बात सुनकर मनिक भाई भी शॉक रह गए थे। तुम तो जावेरी खानदान के दामाद हो ना? पापा, मैंने इन्हें हायर किया है, चीजों को परखने में इनका कोई जवाब नहीं। भले ही मनिक भाई ने नक्श को इससे पहले कभी नहीं देखा था लेकिन उन्होंने नक्श के बारे में काफी रूमर्स सुने थे। दूसरी तरफ नक्श के मैंशन से जाने के बाद अनिका मन ही मन किसी भंवरे की तरह खिली हुई नजर आ रही थी। नक्श के लिए उसे ऐसी फीलिंग्स पहली बार आ रही थी। तभी अनिका ने अपना फोन बाहर निकाला और क्या मानिक देसाई की काबिलियत पर उठाएगा नक्श उंगली? क्या नक्श के हुनर को देख हो जाएगी मिस जूली इंप्रेस? आखिर कब करेगी अनिका अपने प्यार का इजहार? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।